बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। एवं जॉब इन्फॉर्मेशन पर पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में किनाल पटवारी की नई जॉब्स की नई अपडेट के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। किनाल पटवारी की नई जॉब्स 930 असामियाँ जिनका आपको शिद्दत से इंतज़ार था, उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। आज ही की डेट में यानी 16 जुलाई 2023 में इनकी अनाउंसमेंट की गई है। बाकायदा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इसकी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है। आप डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। स्क्रीन पर आपको लास्ट डेट नज़र आ रही है कि 31 जुलाई 2023 इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेम है जैसे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर पहले अप्लाई करते हैं, उसी तरह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सीट अनाउंसमेंट से कबल आपके लिए एक परफार्मा शेयर किया गया था पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें मुकम्मल तफसील थी। आपको मैंने सबका वीडियोस में डेडलाइन भी दी थी, आपको बताया भी था कि आप 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लें किसी भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपकी स्पीड जो होगी टाइपिंग की कंप्यूटर पर वो 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको मैंने समझा भी दी थी, आप जानते हैं, और इसमें मुकम्मल तफसील थी इन सीट्स के हवाले से। उम्र की हद के हवाले से भी यहाँ पर मुकम्मल तफसील थी। अब उसमें कुछ रियायत भी दी गई है आपके लिए। काफ़ी अरसा ये सीटें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पाइपलाइन में रही हैं, अपकमिंग सीट्स में रही हैं, तो अब ये बाकायदा तौर पर अनाउंस हो चुकी हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इसका नंबर 8/2023 है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो आपने अगर अभी तक कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं किया 3 माह का, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप दाखिला ले लें ताकि आपके टेस्ट तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए। अभी आपने अप्लाई कर लेना है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आप डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले लें, 3 माह के अंदर अंदर आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। कम अज़ कम 3 माह लगेंगे इन सीटों को मुकम्मल तौर पर इनका रिज़ल्ट अनाउंस होने में, यानी अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं आपको इंटरव्यू में आपके डिप्लोमा की सर्टिफिकेट ले जानी पड़ेगी। तो आप होप पर अप्लाई करें और होप पर टेस्ट दें। अगर आप कामयाब होते हैं तब तक 3 माह के अंदर अंदर आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें ये हैं कि ये सर्कल वाइज जो है ना ये सीटें अनाउंस की गई हैं। किनाल सर्कल है पंजाब के अंदर, टोटल 22 सर्कल्स बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं तीसरे कॉलम में अपर चनाब किनाल सर्कल लाहौर में है, उसके बाद बाकी भी इसी तरह से, और इसके बाद सेकंड नंबर पर देख लें हर किनाल सर्कल का एक केस नंबर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर सीरियल नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके बाद कि टोटल एक सर्कल की कितनी पोस्टें हैं, उसके बाद कोटा की मालूम दी गई है। स्पेशल पर्सन कोटा दिया गया है और माइनॉरिटी कोटा दिया गया है, वुमेन कोटा दिया गया है, एम्प्लाई चिल्ड्रंस कोटा दिया गया है, और ओपन मेरिट पर जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर लिखी गई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर देख लें, जैसा कि पहला है अपर चनाब किनाल सर्कल लाहौर है, इसके लिए लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, इन डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर देख लें कसूर और लाहौर वाले जो हैं वो दीपालपुर सर्कल किनाल पर जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर लोअर चनाब किनाल सर्कल ईस्ट शेखुपुरा के लिए गुजरावाला और शेखुपुरा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से 22 मुख्तलिफ सर्कल्स हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 930 असामी हैं। मज़ीद आपको मैं बता दूं, एज लिमिट जो पहले बताई गई थी इनकी तरफ से, अपर एज लिमिट 28 साल थी, आपको बताया है कि 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड की गई है, तो 33 साल जो है इसमें उम्र की हद वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 साल है। और इसके बाद फीमेल्स को 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है, स्पेशल पर्सन को 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है। और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सर्कल्स हैं वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे सर्कल में भी पोस्ट किया जाता है तो उसके बाद फिर आपको वापस रिप्लेस कर दिया जाएगा आपकी अपनी जगह पर। इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का आप देख लें, मैंने आपको बताया था आपकी एसएससी होनी चाहिए या आपकी आईसीएस होनी चाहिए, आपका 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, एमएस ऑफिस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। इसके लिए सिलेबस यहाँ पर दिखा गया है, आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 MCQs होंगे, 90 मिनट के अंदर आपने हल करना है। PPSC के तहत ये पेपर लिया जाएगा, इसमें जनरल नॉलेज होगा और बाकी भी यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, करंट अफेयर
लिटरेचर होगा, इस्लामिक स्टडीज़ होगी और इसमें पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, 3 माह का डिप्लोमा, आप अभी से इसमें एडमिशन ले लें। 3 माह के अंदर अंदर जब आप इंटरव्यू पर जाएँगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट तब तक मिल गया होगा। ये जी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो उम्मीद करता हूँ तमाम तर मालूमात आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब मेल, फीमेल, स्पेशल पर्सन, माइनॉरिटीज़, आप ज़रूर अप्लाई करें, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है। इसकी सर्विसेज के हवाले से, इसकी सैलरी के हवाले से, इसके वर्क के हवाले से मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, वो भी इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक शेयर की जाएगी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती अप्लाई करने के हवाले से, आप पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। PPSC पर भी जाकर आप 8/2023 की एडवर्टाइजमेंट जो 16 तारीख में अनाउंस की गई है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली जो अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।